समाजवादी सब अखिलेश ही पास किए ना रोड तो सब अखिलेश का भी बने अभी क्या बनाए मुद्दे लोग सरकार बनाने में बाजी लगा रहे हैं। विकास हुआ हम गरीबों का आकर के देखें लोहता में कितने मजदूर बैठ करके 2 बजे दिन को अपना खाना लेकर के पोटरी खा करके जो पोटरी में लेकर के जाते हैं यहाँ तो वहाँ पारी हमने का चैलेंज है एकदम पूरी देश उत्तर प्रदेश नाचा था कब चुनाव आ जाए कि मारे जाए अखिलेश साहब यहाँ विकास की जरूरत नहीं यहाँ मंदिर मस्जिद की जरूरत है। पुलिस वाले इतना मनमानी हो गए हुआ कि मारी डकैती दूसर कोई लिया के गरीबन के भर के पेड़ के मुआवे मुसलमान सब सपा के संगे हुआ सही कथ है अखिलेश सरकार अखिलेश सरकार हम जान रहे हैं कि मुस्लिम जब आती है कोई पार्टी लेके तो बी टीम कहा जाता है काम धंधा का जब से आये भरत सरकार का काम धंधा चलता है अरे सेक्टर रहा सब फिर योगी का सरकार बनेगा फिर से हाँ फिर बनेगा लोग तो बहुत नाराज हैं उससे क्या होता है लेकिन बनेगा उसी का ना कोई दूसरा उपाय है क्या है उपाय उनको क्या करना है यहाँ का अलीगढ़ का नाम बदल के हरियरगढ़ रख दीजिए मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल रख दीजिए जो गंगा का सफाई कर रहे हैं ये गंगा सफाई नहीं हो रहा है और गंदगी हो रहा है मशीन को बेच करके अभी पान की दुकान लगाए हैं इस समय नमस्कार लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है मैं हूं मुझ कुमार दोस्तों यूपी में इस बार हवा किसकी है यही जानने के लिए हम लोग आए हैं वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में यहां पे चौराहे पे कुछ लोग बैठे हुए मिले हैं आइए इनसे जानते हैं कि इस बार यूपी में हवा किसकी है इसके साथ ही वर्तमान सरकार से ये लोग कितने खुश हैं या फिर नाराज हैं इन सारे मुद्दों पर बात होगी बेरोजगारी की और महंगाई की जो इस समय चरम पर है तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनका क्या हालचाल है। चाचा इस बार यूपी चुनाव में क्या होने वाला है अरे कहा होगा ये सपा को जब हमने सोचे थे भाई उन्होंने निकाल लिया सपा को अच्छा अभी की सरकार से आप लोग खुश नहीं है नहीं क्या दिक्कत है अरे दिक्कत बहुत है रोजी रोटी कुछ चल ही नहीं रहा है काम धंधा कुछ चलता नहीं है एकदम आदमी परेशान है काम धाम नहीं मिल रहा है ना अच्छा आपको क्या लग रहा है अखिलेश की सरकार बनेगी तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी अच्छी चले शायद अच्छी चले मतलब इनसे जनता उब चुकी है आप क्या करते हैं आप ड्राइवरी करते हैं तो काम धाम चल रहा ठीक ठाक नहीं चल रहा है अभी सरकार से आप खुश हैं कि नहीं नहीं खुश है नहीं खुश है क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने सपा सरकार आप बताइए आप क्या करते हैं हम बुनकार ही करते हैं अच्छा तो काम धाम ठीक चल रहा है आपका नहीं कहाँ ठीक चल रहा है काम नहीं चल रहा है बाजार एकदम मंदा चल रहा है एकदम बेकार सब पड़े हैं कारीगर अभी आप सरकार से खुश हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं खुश है नाराज हैं किसकी सरकार बनेगी इस बार अखिलेश की बनने चाहिए अखिलेश आएंगे तो सब सही हो जाएगा अगले बार सही था अच्छा पिछली बार सब सही था इनसे अच्छा रहेगा ये 5 साल में बिगाड़ दिए अगली बार बहुत अच्छा सरकार चल रहा था जब ये भाजपा की सरकार आई तब तक साड़ी का मंदा चल रहा है तो ये तो कह रहे थे कि बुनकरों का जीवन बदल देंगे पता नहीं क्या क्या कर देंगे कुछ हुआ कि नहीं हुआ कह रहे हैं ना जो करेंगे तब तो अच्छा। कहने से और करने से बड़ा बल होता है कहना कुछ और है करना कुछ और है कहते कुछ है करते कुछ है तमाशा बना कर रख दिए एकदम अच्छा महंगाई से भी दिक्कत है आप लोगों को काफ़ी दिक्कत है महंगाई से महंगाई में क्या क्या चीज़ें तेल देखिए 220 रुपया किलो कड़ू का तेल बिक रहा है कड़ू का तेल आप सब देख रहे हैं 220 रुपया किलो हो गया क्या नाम है आपका मेरा नाम अफरोज आलम है क्या करते हैं हम बुनाई काम करते हैं काम धंधा चल रहा है ठीक ठाक काम धंधा का जब से आये भरत सरकार का काम धंधा चलता सरकार से नाराज है आप लग रहे हैं हाँ क्यों नहीं तो किसकी सरकार बननी चाहिए अरे अखिलेश की और ये क्या नाम है असदुद्दीन ओवैसी क्या हाल रहेगा वो तो मिलजुल के आगे चल के हो सकता है मिलजुल अच्छा, उनके बारे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है वो बीजेपी की बी पार्टी तो बहुत से लोग हैं हम जान रहे हैं कि मुस्लिम जब आती है कोई पार्टी लेकर तो बी टीम कहा जाता है आ रहे हैं झाड़ू वाले तो वो बी टीम नहीं है उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी साहब ये जो दोनों लोग हैं ये बीजेपी को जिताने आए हैं ये तो लोगों के अलग अलग कह रहे हैं आप सही है ठीक है ये बात सही है मतलब ये लोग
बीजेपी को जिताने के लिए। हाँ हाँ वो पार्टी आई वो बीटीम हो जाएगी। ओ ऐसी तो वही कर रहा है सब जीता पहले तो जगह रही वही कमी नहीं। सब पार्टी का कोई प्रतिनिधि करने वाला है, मुस्लिम का कोई प्रतिनिधि करने वाला है आगे चल के बुनाई के विषय में, किस विषय में बोल रहे हैं कोई बोल रहा है आगे चल के मुस्लिम के विषय में? खाली मुस्लिम का वोट सबको चाहिए। सरकार बनेगा फिर योगी का सरकार बनेगा फिर से? हाँ फिर बनेगा। लोग तो बहुत नाराज हैं। उससे क्या होता है लेकिन बनेगा उसी का ना, कोई दूसरा उपाय है क्या? है उपाय। क्या है? अरे पब्लिक देंगे और क्या। हाँ हम भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? वो दुश्मन हमारे हैं, क्यों नहीं देंगे? यानी आप मतलब आप बता रहे कोई दूसरे उपाय से बन जाएगा तो कौन नहीं उपाय हम कहाँ बता रहे हैं। जैसे जो हम कह रहे हैं कि योगी का सरकार बनेगा तो बनेगा जो बनेगा। हाँ बने, बहुत खुश है लग रहा है सरकार। बिल्कुल खुश है। तो कौन कौन सी प्लान आपको सरकार की अच्छी लगती है? अच्छा बुरा ये छोड़िए आप, बनेगा उसी का सरकार ये हम जानते हैं। अच्छा आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पाटन से जब वोट गिरा रहे हो वही वोट हटवा दीजिए, मुहर से मरवाइए, बैलेट पेपर वाला मंगवाइए। अच्छा बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो उनकी सरकार आएगी कि नहीं? देखिए अब ये तो हम नहीं बता सकते आएगी कि नहीं, तब तो अंदर चले जाएंगे। ईमानदारी से वोट पड़ेगा। हाँ ईमानदारी से। उसमें भी तो पेटी बदल ली जाती है, उसमें भी तो पेटी बदल पेटी गायब हो ना। अब तोरे पर वोट गिराए तो यादव उधर। अच्छा हाँ यहाँ से भाई तोरे पर तो यादव उधर। ये आप लोगों का अनुभव है कि आप सुनी सुनाई बात बता रहे हैं? अरे आदमी सब लोग सुनी सुनाई बताते ना भाई। देखे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देकर हट जाएंगे अपना। देखिए पेपर का आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? अरे ना हमारे जगह ना जमीन सर पर घूमा चाहिए। अच्छा क्या करते हैं आप? अब कौन करे लग भाई, कुछ नहीं करे। वैसे खाना पीना कैसे चलता है? अरे देख दे ऑन दे देता हूँ, ऑन दे देता हूँ। अभी सरकार से खुश हैं? नहीं नहीं तो खुश है। बाबा खुश नहीं है? योगी बाबा खुश नहीं है? नहीं नहीं। किसको लाना है इस बार? ए ओके अखिलेश सिंह है। जब बाबा कहीं तो दब जाता कहीं। ये जब गलत बात ये कौन बताया कि दबाया कहीं तो दब जाता कहीं? अरे क्या जाता हुई कबल को गया में बाबा वाले कॉलन कि बटम दब्बा न परी दूसरे की। हाँ ये तो सेटिंग पहले मायावती देश का चल रही। अरे ओ उमना बटम यहाँ सेट कर रहा ला सब। हम मत वहाँ कहा कि नहीं बा। हाँ बैलेट पेपर से भरी तब बा होके मान सम्मान हुई सही। मतलब बैलेट पेपर चुनाव होगा तभी ईमानदारी मानी तब फल जाएगा। आपको क्या लग रहा है? सही सरकार है इसमें बेईमानी तो सारा तीन हिस्सा 90 पैसा बेईमानी है। हाँ सर 90 पैसा। अच्छा महंगाई से दिक्कत हो रही है आप लोग? हाँ बहुत महंगाई से बहुत दिक्कत है। अरे पिटलो देखिए 105 रुपया हो गया। सुनो सुनो 105 रुपया पेट्रोल हो गया, तेल कड़वा हो गया 150-300 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, समझ ले। हाँ बताइए जो योजना आता है वो गरीब के नहीं मिलता है, वो अमीर के मिलता है। अमीर दाब के रख लेते हैं बाद में थोड़ा से बांट देते हैं, एक गरीब के दिखा देते हैं। सही बात है ये पक्का समझ लिए। जो योजना आता है आप समझ लो गंगा का सफाई करते हैं, जो गंगा का सफाई कर रहे हैं ये गंगा सफाई नहीं हो रहा है और गंदगी हो रहा है और जेबा भर रहे हैं। ये देखिए ये चुनाव में जेबा अपना अपना भर रहे हैं, भाजपा का सरकार भर रहे हैं अपना अपना जेबा भर के इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा कौन है कि जो जेबा नहीं भरता है? कौन है? नहीं, नहीं, नहीं सब भरते हैं, बाकी इसमें बहुत हिसाब से भरते हैं। हाँ हाँ भर ले रहे हैं। इतनी गुंडई है आप देख लीजिए मुसलमान भाई को कोई अथवा योजना हो जाए कहीं मर जाए कहीं कुछ ओका कोई अथवा हिसाब नहीं है। अभी कोई और कोई हिंदू मर जाए कोई तो उस पर बड़ी बवाल। अच्छा ये बताइए आम आदमी अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी समस्याओं के हिसाब से वोट देता है या हिंदू मुस्लिम देख के देता है? नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं देख के देते हैं, अपने विश्वास से देते हैं। आप लोग मतलब काम देख के देते हैं? हाँ काम देख के देते हैं। आप बताइए बिनाई का दम लुढ़क गया, बाजार दम लुढ़क गया, अथवा बाजार पूरा समझ लो बनारस पूरा बिनाई पर है, समझ लो। उधर नक्की घाट की तरफ भी तमाम बुनकर रहते हैं। हाँ बहुत अभी मैं गया था उन लोगों ने भी यही बात बताई। हाँ हाँ साहब है ना जो योजना मिलना चाहिए जो अथवा करना चाहिए जो रास्ता साफ होना बुनकर एकदम परेशान है। बुनकरण के आज तक कुछ मिलल नहीं,
खाली बुनकरन के वोट चाहिए सबके, बस वोट चाहिए। अच्छा भाषण में तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोले थे कि बुनकरों को पता नहीं क्या बना देंगे, गरीब क्या अमीर बना देना एकदम बतिया से खाली। अच्छा हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे चढ़ा कि नहीं? चढ़ा लूंगी क्या आपके, चढ़ा लूंगा। अच्छा आपको क्या लग रहा है चाचा इस बार कौन आएगा यूपी में, कौन आएगा? अरे हमारा तो विचार बाग भैया कोई आवा, धंधा पानी हम लोग का चला ढंग से है, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं बा, चली धंधा। अरे क्यों भी आवा हम लोग का हाल रोजगार चले है, ये वक्त तो ओपोजिशन हो गल बा कि लोग दाना पानी बिना में रहता है, अब का बताओ जाए, महंगाई तो आसमान छुआता है। क्या करते हैं हम, डिलीवरी करते हैं। काम धाम मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, ऐसे एकदम कैसे चल रहा है काम धाम? चल रहा है, अल्लाह का मालिक चला रहे हैं। पानी महंगा हो गया बा। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो? ऑटो कहाँ रहते हैं? यहीं पर, यहीं पर रहते हैं। घर वाले गुटखा खाने से मना नहीं करते? पान खाते हैं, पान, पान खाने से मना नहीं करते? मना करते हैं, लेकिन क्या करें, क्या करें, मजबूरी है ना। सही नहीं रहा हम लोग का, 400 रुपया के जगह 200 रुपया मजदूरी हो गया, दिन भर 6 बजे से 8 बजे रात तक चलाएंगे के साड़ी पूजेगा, 200 रुपये का काम होगा, 200 रुपया में अगर 6 परानी 7 परानी है तो चल जाएगा, नहीं चल पा रहा है, सब एकदम पिपिया हो चुके हैं बुनकर, समझे। हम लोग की बात नहीं है कि हम मुसलमान आवे या कोई भी आवे, कोई भी आवे, हम लोग का हाल रोजगार चले, देश चलना चाहिए, जनता खुश रहनी चाहिए, बस जनता खुश रहे, हाल रोजगार चले। क्या नाम है आपका? चंद्रभान उपाध्याय। उपाध्याय जी, यूपी में चुनाव होने वाला जल्दी जी, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? मोदी जी। मोदी जी जी, अरे यूपी में चुनाव है तो यूपी में बताए, यूपी में बता रहे हैं उनकी पार्टी आएंगे, भाजपा ही जीतेगी, भाजपा जीतेगी जी। बहुत खुश लग रहे हैं आप भाजपा लीजिए? अरे राम राम, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इससे। कौन सा चुनाव? छात्र नेता। कहाँ से? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से छात्र नेता पद भाजपा से। इस बार लड़ रहे हैं, किस पद पे लड़ रहे हैं? छात्र नेता पद पे, अध्यक्षी, अध्यक्षी लड़ रहे हैं संपूर्णानंद से। तो अच्छा ये बताइए कि आप छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हैं जी, ठीक, तो शिक्षा का जो बजट है वो देश में हर साल घटता जा रहा है, ऐसा क्यों है? भाई पढ़ाई पे जो है तो पढ़ाई मिल रहा है, नौकरी उतनी मिल नहीं रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि शिक्षा का जो बजट है वो गिरता जा रहा है, तो छात्र नेताओं का काम काम क्या है? काम ये शिक्षा देना होगा तो सही लेने के लिए भाई सही नेता चुनना होगा, तब ना मिलेगा। हमारे यहाँ से जितने भी नेता हूँ, आपने कहा कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी इस समय अच्छा काम कर रही है, शिक्षा का बजट गिरा के कौन सा अच्छा काम होता है? शिक्षा का बजट बीजेपी नहीं गिरा रही है, स्वयं गिरा रहा है, हम लोग खुद गिरा रहे हैं। अच्छा ये बताइए सरकार, हमें ये बताइए कि नौकरी करने का मतलब बस खाली नौकरी पाना ही रहे? पढ़ने का मतलब खाली नौकरी पाना हो तो हमारे देश में खाली नौकरी पैदा होगा। पढ़ने का मतलब क्या पैदा होंगे? पढ़ने का मतलब कि मालिक बनो, स्वयं कुछ ना कुछ। ये जो आप बता रहे हैं ये व्हाट्सएप में रोज शेयर किया जाता है, हाँ वही मीडिया वाले बात है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है जिस बुक की है। अच्छा ये बताइए जी, आपने कहा कि राशन मिल रहा है 5 किलो, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं जी, क्या सिर्फ 5 किलो राशन से आदमी जी लेगा? आप खाली रोजगार बंद करते हैं? खाली खाली 5 किलो राशन ही मिल रहा है और क्या मिल रहा है? कभी जीवन में आपके जमीन में जो खेती भी नहीं कर रहे थे उनको पैसा मिल रहा था कभी? अब मिल रहा है। अच्छा ये बताइए अब मिल रहा है कि नहीं भैया? हाँ ठीक मिल रहा है ना। कितना मिल रहा है? 2000। 2000 का महीने में? छह महीने मिल रहा है ना, तो 6 महीने में, अगर तो 6 महीने में नहीं साल में 12000 मिल रहा है, मुझे 12, हाँ साल भर में 12000 मिल रहा है, जो खेती नहीं करते थे उनको भी मिल रहा है भैया, और करते हैं उनको तो छोड़ दीजिए जो नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि आप 5 किलो अनाज देके, मतलब 10 रुपए का अनाज दिए, 10 रुपए का अनाज दिए और 1 लीटर आप तेल खरीदे तो उसमें आप 100 रुपया रेल लिए। अच्छा तो आप कई महीने का बराबर कर लिए फिर? अच्छा अच्छा, तेल तेल ये पब्लिक करे, मैं नहीं कर रहा, पब्लिक करा ठीक है, पब्लिक से पूछिए कि 5 किलो राशन कितने का है? कितने का बताइए? कोटा पे कितने का? सरकारी 2 रुपए किलो मिलता का मिल रहा है? 2 रुपए किलो मिलता था पहले से, सरकारी मत कहिएगा कि इन्होंने लगाया, सरकारी पे मिलता है ना 2 रुपए किलो? 2 रुपए का वही सरकारी पे ही आ रहा है, ठीक है ना। बाजार में खरीदने जाओ कितने का मिलेगा? बाजार में खरीदेगा क्यों, गरीब तो पहले से सरकार से खरीद रहा है। फिर वही बात यार, आप 2 रुपए आप जो अनाज दे रहे किसको दे रहे? आपको 2 रुपए का चावल जो है, 2 रुपए का गेहूं सरकार आपको दे रही है और आप तेल बाजार से खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं नहीं बाबा? मैं सरकार भी तेल देना, सरकार को तेल देना, सरकार सरकार तेल क्यों दे? सरकार सब कुछ मांग लो तब सरकार से, गेहूं चावल से ही काम चलाएगा ये बताइए, और उसके लिए तो अन्न तो होना चाहिए, कैसे 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल में ही सब बन जाएगा? सरकार तो देश के खा गई एकदम से, जो है ये नहीं कर सकता कि सरकार जो है देश को खाई, मैं
कहूंगा कि सरकार ने देश को बनाया है। क्या बनाया भाई? भाजपा सरकार ने देश को बनाया, क्या बनाया बताइए। अब आप बताइए क्या नहीं बनाया है, इनसे पूछिए क्या नहीं बनाया है। देश बर्बाद हो गया था पहले से। आपकी बार फिर भी बीजेपी की सरकार आएगी, काम बदलने जमा करा लिया। ये लोग सरकार बनाने में बाजी लगा रहे हैं। हमारा आपका लिखी पड़ा हो रहा है, पैसा जमा की बार अखिलेश सरकार, की बार अखिलेश सरकार कोई कितना भी बोल दे जीतेगी खाली बीजेपी, सरकार उसी का बनेगा। पंचर हो गया, हाथी जंगल गया और कमल जो है हर जगह खिल रहा है। मुझे कहा 15-15 लाख रुपया जुमलाबाजी होता रहा है। कहा रुपया काला था? अरे तोरे तेरे का काला धन पर ठोक के बच्ची लिया बीजेपी वाले के ठोक दे। बार सपा का सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी सब अखिलेशी पास किए ना रोड, तो सब अखिलेशी का भी बन रहा है ना। अभी क्या बनाए मोदी जी, क्या बनाया? वही पैसा देता है, पैसा देने वाले का नाम होता है। पैसा कौन दे रहा है? अखिलेश सरकार ने इन चीजों का काम, अखिलेश सरकार ने कहाँ से दिया? अखिलेश सरकार ने जनता का पैसा है कि उसका पैसा है कि हमारा पैसा है? वो हमारा पैसा है। 3 लाख रुपया लोन लिया था, मेरा माफ हुआ है। 1 लाख रुपया लोन लिया है, 1,60,000 रुपया लोन का ब्याज आ गया था 2 साल। मोदी जी खाली विदेश घूम रहे हैं और यहाँ के गरीबों जनता मर रहा है खाने से ना। नौकरी मिलेगा किधर नौकरी है? इतनी वैकेंसियां निकल रही है, कुछ आज ये हो गया साड़ी के सहारा हो गया। 750 रुपए में विकास हुआ है, गैस सिलेंडर का विकास हुआ है, 400 रुपए था 700 रुपए हो गया, 1,000 रुपए हुआ है। और पेट्रोल का दाम 72 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए में है। विकास हुआ है, मोदी जी के आने पर विकास हुआ है बहुत। फिर में चुनाव होने वाला है, कौन आएगा? सपा सरकार आएगी। जन धन खाता खुलवाए मोदी जी, 5-5 बोले फ्री में खाता खुलवा दिए। आज यदि बैंक में ये दादा जाते हैं तो बोलते 1,000 रुपया आपके पासबुक में नहीं रहेगा तो आपका खाता बंद हो जाएगा। बेवकूफ बनाए। पहले हमको सिलेंडर मिलता था 400 रुपए में, हमारे जेब में 200 रुपया रहता था, 200 रुपया बाबा से उधार लेके मैं सिलेंडर ले लेता था। बोले कि उसके बाद में 500 का सिलेंडर हुआ, बोले कि आपके खाते में 300 रुपए सब्सिडी जाएंगे। आज के डेट में सिलेंडर हो गया 1,010 रुपए का, नहीं आ रही है इस समय 59 रुपए आ रही है। और उसके बाद में एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, सब आडवाणी मुकेश अंबानी सब बना दिए। उनको क्या करना है? यहाँ का अलीगढ़ का नाम बदल के हरियरगढ़ रख दीजिए, मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल रख दीजिए, उनको यही करना है। इलाहाबाद को प्रयागराज रख दीजिए उनको। वो क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। इसको करने बताइए, गरीब का नाम बदल के अमीर कर दिया जाएगा? अरे वो क्या करेंगे, वो खाली फेर में गरीबन के खुदा दूर कर दे रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गया। अब बुरे दिन पे हम लोग जनता चल रही है, सपा सरकार आएगी। यहाँ विकास की जरूरत नहीं है, यहाँ मंदिर मस्जिद की जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं आप, युवा हो गए, इस तरह की बात कर रहे हैं मूर्खों वाली। भाजपा सरकार बस यही चाहती है कि बस मंदिर मस्जिद बने, यहाँ रोजगार मिले, शिक्षा मिले और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल खुले बढ़िया बढ़िया। अभी अभी इस बार सरकार किसकी बनेगी यूपी में? इस बार सरकार तो अभी कागालर है, ईवीएम जब से रहेगा भाजपा की सरकार बनेगी। जब से ईवीएम नहीं हटेगा कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम में ऐसा षड्यंत्र है कि वोट देने पर किसी को वोट दे रहे, जा रहा है किसी को। अच्छा, ओवैसी कैसे लगते हैं आपको? ओवैसी भी एक तरीके से वो भी मुसलमानवादी करते हैं, बस हिंदू मुसलमान का बात भी वो भी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी ये सब बीजेपी को जिताने यूपी आ रहे हैं। ये सब बात नहीं है, ये बीजेपी को जिताने नहीं है, अपना अपना सबका षड्यंत्र है। कौन है वो कटी वोट? मुसलमान सब सपा के संगे हुआ, सही कहा था। यूपी में हाई स्कूल इंटर वालों को अब लैपटॉप बटेगा, इससे पहले कहाँ था? इससे पहले नहीं बट रहा था, अब लैपटॉप तो बांटे थे। अब फिर से योजना निकल रहा है कि अब बांट रहेंगे। योगी आदित्यनाथ लग रहा है कि बांटेंगे, खाली पेपर में बटेगा।
चलेगा ऐसे ही बोलने से, सिर्फ बोलने से काम चलेगा। अच्छा बनारस जाते हैं आप लोग? बनारस जाते हैं? हाँ बनारस जाते हैं। बनारस स्मार्ट सिटी हो गया कि नहीं? कुछ नहीं स्मार्ट हुआ है, स्मार्ट सिटी होगा जब गरीबी रहे, गरीबी नहीं रहेगा स्मार्ट सिटी क्या करेगा, स्मार्ट सिटी खाने को देगा। पानी हुआ जूटा था जो के गोदौलिया के वहाँ है घाटे पर, कहाँ परिवर्तन वाला, सब रोड टूटल हुआ टूटल है। हम लोग 30 दिन बनारस जाए वाला है, तनिक भी पानी भर दही है कमर भर का हो, सही कर रही गलत कर रही, दशा सुमेर बताता हरिचंद्र घाट बताता कौनो घाट बताता कि जहाँ की पानी इकट्ठा ना हो तो और नो परिवर्तन नहीं भला, खाली बात से कुल बात है, खाली बात है बात, हाँ खाली बात है बात, बड़ा बड़ा पोस्टर छप रहा है, हाँ हाँ उस सब बात पोस्टर छपा था नहीं, अगर आपके विश्वास हो तो बनारस जा करके देख लीजिए हरिचंद्र घाट वगैरह जाइए, देखे भी है दिखाए भी है, दिखाया है ना तो देखे आप ना, बना है कुछ नहीं, कुछ बना नहीं है ना, फिर उस दिन ये सरकार हिंदुस्तान को बेच दे देगी, अभी तो थोड़ा बहुत बेचा है पूरा बेच देगी। यूपी में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? कौन आएगा ये तो भविष्य की बात है कि कौन आप आएगा, किसको चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं? इसे हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जो कि हमारा भी मतलब जीवन बेड़ा पार हो जाए, ऐसी सरकार ना हो कि हम अभी 3 साल पहले जो 500 रुपये का सिलेंडर लेते थे आज 1000 रुपये का लेना पड़ रहा है, अब हम इस उम्र में कितना कमाई करेंगे, 5 बच्चियां हैं हमारे पास, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बीए करा रहा हूँ 2 बच्चियों का, बीए खत्म हो जाएगा तो इसके पास कितना पैसा मुझे लगाना होगा दूसरा कुछ कराने के लिए, कोई व्यवस्था है? साड़ी बिनता हूँ 100 रुपये का मैं काम करता हूँ, मोदी जी कहते हैं कि हमने बनारस में काफ़ी विकास किया, क्या विकास हुआ, किसका विकास हुआ, हम गरीबों का, आकर के देखें लोहता में कितने मजदूर बैठ करके 2 बजे दिन को अपना खाना लेकर के पोटरी खा करके जो पोटरी में लेकर के जाते हैं खा करके वापस आते हैं, ये भी एक मजदूर है, ये भी जाता है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन काम मिलता है, 400 रुपये का काम किया, ये अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? बनारस के कई लेबर चौराहों पर हम गए थे, वहाँ हमने मजदूरों से बात की, सब यही बता रहे थे कि महीने में 2 दिन 3 दिन काम मिलता है, बस वही बात है, ये सच है कि 2 ही 3 दिन मिलता है? बिल्कुल सच है। अरे साहब ये सरकार तो पूरा देश के देश के नाश कर दे रहे हैं, और पुलिस वाले इतना मनमानी हो गए हुआ कि मारी डकैती दूसर को ही लिया के गरीबन के भर के पेड़ के मुआ, ऐसा सरकार तो एकदम देश से निकल जा, सब बाहर विदेश भाग जा, ऐसा सरकार ना चाहते। चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए, विकास बेरोजगारी और महंगाई या फिर हिंदू मुस्लिम? ऐसा है कि चुनाव के अंदर हिंदू मुस्लिम ना हो तो बहुत बेहतर है, विकास तो जबकि हमको रोजगार मिलेगा तो हम ऑटोमेटिक विकास करेंगे, विकास का मुद्दा यही है, जब विकास आप सड़क बना देंगे, मेरे पास गाड़ी घोड़ा नहीं है मैं आपको क्या दूंगा, क्या विकास कर रहे हैं आप? अच्छा आपने कहा कि सड़क बना देंगे तो कौन कौन सी सड़क है जो बनी हुई है? हैं कौन कौन सी सड़क है? लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सड़क बनवा दिए हैं। हाँ बहुत सी सड़क बनवा दिए हैं, बनवा दिए आपने देखा है? ये एक रिंग रोड दिखाई दे रहा है मगर ये तो पहले से पास था, तो 7 साल में अगर एक रिंग रोड बना दिया तो ये कौन सा बहुत बड़ा काम है? और अभी उस ये सब सब अखिलेश के जमाने का पास था, इस रोड को हम देख रहे हैं कि ये भी अखिलेश के जमाने का पास था, अगले साल 56 करोड़ कितना रुपया इसके लिए पास किया गया मगर अभी तक इस पर कोई दूसरा काम नहीं हुआ, वही पुराना काम हुआ। चाचा क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन सर। क्या करते हैं आप? सर हम बिनाई करते थे, अभी पुराने हैं बिनाई करने वाले, लेकिन फिलहाल में मशीन सुन के बेचना पड़ गया, मशीन को बेच करके अभी पान की दुकान लगाए हैं इस समय। मतलब बेरोजगारी इतनी हो गई, काम धंधा ऐसा हो गया, माल पड़ा हुआ यहाँ पे। अच्छा माल नहीं बिक रहा आप लोग? बना माल नहीं बिक रहा है, माल नहीं बिक रहा, बहुत सस्ता रेट मांग रहे हैं। क्या बनाते हैं आप लोग? हम लोग वही लेलून की बनारसी साड़ी। अच्छा अच्छा ये बताइए यूपी में चुनाव होने वाला है, ठीक, तो इस बार क्या उम्मीद है, कौन आना चाहिए? भाई हमको तो अखिलेश आ जाए तो बेहतर है, मुनासिब है आ जाए तो बेहतर है। ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? ओवैसी के बारे में हमारा ख्याल नहीं है भाई, हमारे सामने अखिलेश आ जाए तो मुनासिब है। ओवैसी सब फेल है, यहाँ ओवैसी नहीं आई, ओवैसी की जरूरत नहीं है? नहीं अभी जरूरत उनकी नहीं, उनके आने से खतरा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी और केजरीवाल ठीक वो बीजेपी के साथ हैं इसीलिए आए हैं कि यहाँ पे सपा है। ऐसी कोई बात नहीं, सरकार बड़ी होनी चाहिए, जो बड़ी बहुमत में आती है वही आए तो अच्छा है, लेकिन हमको जो है
के मतलब कि मुलायम के जो बेटे हैं वो अखिलेश यादव अगर आ जाए तो मुनासिब है। उनका काम अच्छा था? उनका काम अच्छा है, मतलब बुनकरों को थोड़ा सा मदद करते थे, मदद नहीं। अभी की सरकार से क्या क्या शिकायत है? शिकायत हमको कुछ भी नहीं है उनसे, बस खाली वही मतलब उल्टा सीधा भ्रष्टाचार उनके बारे में बोले, लेकिन उनसे ज्यादा इनके में है, उनसे ज्यादा इनके में है, कम से कम ज्यादा 20% ज्यादा इनके में भ्रष्टाचार चालू है, लग रहा है, चला हुआ चल रहा है अभी भी, मतलब इतनी बात मेरी है। अच्छा, कुछ सरकारी कंपनियां भी बेची गई हैं क्या, पता है आपको? नहीं, हमको मालूम है कि कैंड बिक गया, क्या जो है सब बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, सुन रहे हैं क्या अफवाह है क्या सच है, कोई कह रहा है लाल किला भी बिक गया, क्या मालूम है, क्या मालूम सब बिक रहा है, एक को बचाना है, अब हम तो बिका के बाकी है, हम लोग भी गेहूँ और चावल फ्री का खा के हम लोग भी बिकी चुके हैं, हम लोग भी बिक चुके हैं, उनका गेहूँ चावल खा के हम लोग भी बिक चुके हैं। अरे छोटा परिवार था उनके, तो उखड़ गई ठीक है, अपना बाल बच्चा चलाए, चाचा ने बोला कि उखड़ जाएगी, लेकिन उनकी उखड़ी इस मंदी में, उनकी उखड़ी ठीक है। अगर बेरोजगारी जो हिसाब से है, अगर वो काम नहीं करते तो उनके बच्चे तो कितने भूखे मर गए होते, ये भी हकीकत है। लेकिन जितने बड़ा परिवार वाले हैं बेरोजगार भाई, उनकी तो उखड़ गई पूरी पूरी तरीके से, गए अंदर चले गए। उनका महंगाई से दिक्कत हो रही है? महंगाई से दिक्कत है? महंगाई से तो दिक्कत जरूर है, बेसक दवाई ज्यादा दिक्कत मांगी थी, सरसों का तेल तो अभी 200 से ऊपर चल गया। अखिलेश का सरकार आ जाए तो देखा कितना सस्ता हो जाला, की जरूरत है ठीक है, देश देश देलन पूरा विदेश के बेच दिया। सुनिए, अखिलेश की बात ही मैं कर रहा हूँ, अभी अखिलेश का काम था ठीक है, जो चला रहे थे ठीक है। अच्छा, अखिलेश का काम ये था कि थोड़ा सा उन्होंने भी लापरवाही की है, अगर उनकी लापरवाही न होती तो ऐसा होता ही नहीं, लेकिन लापरवाही उनकी थोड़ा सा नुकसानदेह आई है। अब उनको चेतावनी हो गई है कि अब खबरदार उनको होना पड़ेगा, कि आप खबरदार होइए, आप चुनाव में लड़िए, बेहतर आपको वोट मिलेगा। आपको लग रहा है कि अखिलेश खबरदार हो गए? हाँ, खबरदार हो तो अच्छी बात है, खबरदार हमने का चैलेंज है, एकदम पूरी देश उत्तर प्रदेश नाचा, कब चुनाव आ जाए कि मारे जाए अखिलेश। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? अभी समय 11th में पढ़ रहे हैं। 11th में? 11th की स्पेलिंग बता। अभी जाइए बता रहे हैं, ELEWENTH। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? अंग्रेजी सुभाष मास्टर छितौनी के। उनसे जाके पूछना क्या होता है।